Good morning. Good morning. तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन में यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी मेथड है ना. यूनिटरी मेथड रितेश भाई आता था भाई. यूनिटरी मेथड है ना. तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हम लोग बनाते कैसे, राइट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूं. एट बुक्स कॉस्ट आर एस 30 बार. व्हाट विल 24 books cost? इस क्वेश्चन को देखिएगा कितने टाइप से हम लोग बनाएंगे और कितने टाइप से हम सोल्व करेंगे. पहली बात कि हम अगर स्टेटमेंट पे जाएंगे थ्रू द यूनिटी. यूनिटी मेथड का मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी थ्रू द यूनिट क्वांटिटी. यूनिट का मतलब क्या होता है? वन. इसीलिए इसका नाम पड़ा इस मेथड का यूनिटरी मेथड. यानी कि द फाइंड ऑफ द गिवन यूनिट्स थ्रू द यूनिट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. वैसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड. जैसे हमको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ एट बुक्स इज इक्वल टू आर एस 31 थ्रू द यूनिट. तो वन बुक का कॉस्ट फाइंड करेंगे, है ना. कॉस्ट ऑफ वन बुक, है ना. तो लेस बुक्स लेस कॉस्ट. तो टू गेट लेस वी डिवाइड, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. इस बात को याद रखेंगे. टू गेट लेस वी डिवाइड, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. क्लियर है? तो एक बुक का कॉस्ट क्या होगा? कम होगा. तो यानी कि हमको क्या पाना है? कम पाना है. तो टू गेट लेस वी डिवाइड. तो आप क्या करेंगे? 31 में कितना से डिवाइड करोगे? 8 से, है ना. तो टू गेट लेस वी मल्टीप्लाई, सॉरी वी डिवाइड. टू गेट लेस वी डिवाइड. तो द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स. अब देखिए वन बुक का कॉस्ट इतना है. तो मोर बुक मोर कॉस्ट, मोर बुक मोर कॉस्ट. तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 31 बाई 8 इंटू 24, सॉरी 12. क्या हो जाएगा आंसर? तो यहां से मैं एक बात बताया आपको. टू गेट लेस वी डिवाइड, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखो. जब हमको कम आएगा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. जब ज्यादा आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे. दूसरा तरीका, ये तो थ्रू द यूनिटी यानी यूनिटरी मेथड, इसी को बोला थ्रू द यूनिट, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ
24 books. Find the cost of given number of books through the unit. It's called unitary method. इसी का नाम क्या पड़ा? Unitary method पड़ा. इस method को हम क्या बोलते हैं? इस method को हम क्या बोलते हैं? Unitary method. अब आइए, अब हम लोग आते हैं कल जैसा क्वेश्चन बनाते हैं उस तरीका से, है? तो एक चेंज टू 31, ये वेरिएशन का क्वेश्चन है. वेरिएशन है, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? तो आपका 8 बुक कॉस्ट 31, तो 24 बुक्स कॉस्ट व्हाट, राइट? एक ऐसा बॉक्स टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग बनाते थे, है ना? बनाते थे या नहीं बनाते थे? है ना, बनाते थे हम लोग. अब देखिएगा, ऊपर से नीचे आना है तो इसका जो क्या होगा, जो अल्टरनेट रेशियो होगा वो क्या होगा? 31/8, है ना? तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करेंगे? 31/8. देखिए, तो यहां भी आपने 24 में 31/8 से मल्टीप्लाई किया है. बिल्कुल किया है, समझ में आया? कल जैसा आप क्वेश्चन बनाए थे कि 8 चेंज टू 31, 8 बुक्स का कॉस्ट 31 हो जाता है तो 24 का क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कल देखा था? बिल्कुल देखा था. तो यहां पे हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग अल्टरनेट रेशियो फाइंड करते थे, वो क्या हो जाता था? 31/8. और फिर यहां क्या करते थे? 31/8 से मल्टीप्लाई करते. देखिए, तो लास्ट स्टेप आपका यही आया है, बिल्कुल यही आया. तो ये आपका मेथड हुआ, ये यूनिटरी मेथड हुआ, और ये जो है ये वेरिएशन टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं, है ना? आपने देखा यहां भी वेरिएशन में भी मैं ऐसा क्वेश्चन सोल्व करता था कि कोई रो फाइंड करता था जिसमें, कोई कलम फाइंड करता था जिसमें जो है हम लोग को दोनों रो में वैल्यू गिवेन होता था. तो चलिए, ये दोनों रो में वैल्यू गिवेन है, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अल्टरनेट रेशियो, अल्टरिंग, और अल्टरनेट फाइंड करने के बाद भी यहां से यहां जाना है तो फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आपका मेथड है. अब इस मेथड पे आएंगे, अगर स्टेटमेंट लिखने की बात करें तो स्टेटमेंट लिखने वक्त जो बात का ख्याल रखना है वो देखिए. अगर इस मेथड से आइएगा तो ये दोनों कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा. टू गेट लेस वी डिवाइड, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. क्लियर है? कितना आपको सोचना पड़ेगा. क्लियर है? उसके बाद सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जब हम लोग इस मेथड से जाएंगे, यूनिटी मेथड से बनाएंगे, तो स्टेटमेंट पे हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. स्टेटमेंट में हम लोग इज इक्वल टू के राइट साइड पे उसी को रखेंगे जिसको फाइंड करना है. जैसे मुझे यहां क्या फाइंड करना था? कॉस्ट फाइंड करना था, है ना? क्या फाइंड करना था? कॉस्ट. तो आप जो है ऑलवेज कॉस्ट को कहां रखेंगे? राइट साइड, है ना? अगर नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करना होता तो फिर ये स्टेटमेंट उल्टा हो जाता, आपका 8 बुक्स इधर आ जाता. तो हम स्टेटमेंट लिखते इन आरएस 31 ए मैन अबाउट 8 बुक्स, है ना? तो आपको मॉर्निंग, आपको जो है अगर इस मेथड से अगर जाएंगे तो स्टेटमेंट पे ख्याल रखना पड़ेगा, और ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा तो क्वेश्चन उल्टा, आंसर आएगा आपका रेसिप्रोकल, है ना? जैसे आंसर 12 दिया होगा तो आपको आएगा 1/12, है ना? इनवर्स में आएगा आंसर. तो वहां पे आप बोलोगे अच्छा 1/12 है, 12 ले ले. नहीं, लेकिन आपका जो है वो गलत है, है ना? तो आपको अगर इस मेथड से जाओगे तो पहली बात स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे. स्टेटमेंट में राइट साइड में उसी को लिखेंगे जो फाइंड करना है. यहाँ कॉस्ट फाइंड करना था इसलिए मैं कॉस्ट को राइट साइड में लिखा. अगर नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करना होता तो स्टेटमेंट वैसा बनाते जिसमें राइट साइड में क्या आता? नंबर ऑफ बुक्स आता. नंबर ऑफ बुक्स जो है उसको कहाँ रखते? राइट साइड. लेकिन यहाँ कॉस्ट फाइंड करना था इसलिए मैं कॉस्ट को राइट साइड में रखा. क्लियर है? अब
अब एट बुक्स का कॉस्ट 31 रुपया है, तो वन बुक का कॉस्ट लेस होगा। अगर हम लेस नंबर ऑफ बुक कर देंगे तो हमको लेस अमाउंट लगेगा, लेस कॉस्ट लगेगा, तो लेस नंबर ऑफ बुक्स लेस अमाउंट। क्लियर है? तो यानी कि टू गेट लेस हमको क्या पाना है, कम पाना है। तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो हम क्या करेंगे 31 में एक से डिवाइड करेंगे। अब वन बुक का कॉस्ट इतना है तो 24 बुक का कॉस्ट फाइंड करना है। तो मोर बुक्स मोर कॉस्ट, मोर नंबर ऑफ बुक्स मोर कॉस्ट, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, है ना। तो हमको जब ज्यादा अगर पाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? यही यही ज्यादा समझेंगे तो ये बेहतर होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव का तरीका है ना, अगर बना भी देंगे आप तो ठीक ना, अगर मान लिया जाए अगर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम। आप देखेंगे 9 आर्टिकल्स का वेज कितना है, वेज का मतलब उसका माप, उसका मतलब वेट, है ना, इस तरीका से बोल सकते हैं। कितना है 17 केजी। तो व्हाट विल 36 आर्टिकल वेज, अगर हम ऑब्जेक्टिव अगर बनाएंगे, है ना, वो तुरंत सोचेंगे 9 17 तो 36, यानी 36 इंटू 17 बाय 9, है ना, 9 फोर जा 36, 17 फोर जा 68 आंसर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 68 केजी, क्या आंसर हो जाएगा 68 केजी, है ना। या फिर आप ऐसे बना लो 9 17 तो 36 कितना, यही है, चलिए ये क्या हो जाएगा 17 बाय 9, है ना, ऊपर से नीचे है ना, तो 36 इंटू 17 बाय 9, 9 फोर का 68 केजी आंसर। यहाँ भी देखा, यहाँ भी। अब अगर मेथड्स पे आते हैं तो यहाँ मेथड्स में हमको स्टेटमेंट लिखना है, और सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट में हमको एक बात का ख्याल रखना है कि जो फाइंड करना है उसको राइट साइड में रखना है। क्लियर है? यानी क्या फाइंड करना है, वेज, तो वेज कहाँ रहेगा, राइट साइड में। चलिए पहले तो 17 केजी को राइट साइड में लिख लीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट बताइए, एकदम ये राइट साइड में ही रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेज ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 17 केजी, राइट, मेरा स्टेटमेंट बन गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आएंगे इन दोनों बातों को ध्यान दें। अब यूनिटरी मेथड से जा रहे हैं तो थ्रू द यूनिट जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। तो वेज ऑफ 1 आर्टिकल, है ना, तो लेस आर्टिकल लेस वेज, नहीं, जब नंबर ऑफ आर्टिकल क्या कम होंगे तो वेज भी क्या होगा, कम होगा, वेट क्या होगा, कम होगा। तो टू गेट लेस क्या आया, लेस आया हमको, यानी कम आएगा,
है ना, हमको यानी क्या आएगा कम, तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 17/9 केजी। बहुत बड़ी, ये बिल्कुल ये कंसेप्ट तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, है ना, कि टू गेट लेस वी डिवाइड, टू गेट लेस वी डिवाइड। अब जब वन आर्टिकल का वेज इतना है तो 36 का वेज कितना होगा, है ना, तो वेज ऑफ 36 आर्टिकल्स, तो मोर आर्टिकल मोर वेज, मोर आर्टिकल मोर वेज, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, 9 फॉर जा 36, 17 फॉर जा 68 केजी, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपने देखा कि हम ऐसे भी बना लिए और इस तरीका से भी बना लिए, है ना। आप कोई भी, आप कोई भी मेथड यूज करो, आपको आंसर 68 केजी ही आएगा। क्लियर है ना। अब मैं आपको सब चीज समझा दिया, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो देखिएगा, इसी में हम लोग देखेंगे आगे। About ₹16 in ₹40. How many pence bought in ₹50? At same cost, है ना? अब आप यहां देखोगे, हम अब अधिक प्रयास करेंगे इसी मेथड से बनाने का, चूंकि यूनिटरी मेथड है तो थ्रू द यूनिटी जाना ही बढ़िया रहे, नहीं अगर ये नहीं लगा रहता केवल ये क्वेश्चन रहता तो फिर मैं बिल्कुल इजी वे में बना लेता, है ना। एक लड़का आंसर दिया और वो गलती कर लिया, है ना, एक लड़का आयुष सांडिल्य आंसर दिया बट वो लड़का गलत कर लिया। गलत क्या किया कि मैं जो बात बताया उस पर वो ख्याल ही नहीं किया, लेकिन मैं जो बताता हूँ पूरी बात को समझो, पूरी बात को, विपिन भी गलत कर लिया, है ना। अब वो कैसे, सो हम लोग देखेंगे, यहां बिल्कुल गलत कर लिया आपने। देखिए मैं बताया था कि हम जो फाइंड करना है, मुझे जो फाइंड करना है उसको राइट साइड में रखना है, तो 16 पेंस जो है वो राइट साइड में आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो राइट साइड में ही रहेगा, और आप लोगों ने इसी को उल्टा कर लिया होगा इसलिए आपका आंसर नहीं आया। अब हम स्टेटमेंट बनाते, स्टेटमेंट बनाएंगे कि इन रुपीज 40, इन ₹40 ए मैन बाउट 16 पेंस, है ना, तो थ्रो द यूनिटी, तो इन रुपी 1 ए मैन बाउट, तो लेस अमाउंट, लेस नंबर ऑफ पेन, कम रुपया लेकर के जाएंगे तो कम पेन खरीदेंगे, ज्यादा रुपया लेकर के जाएंगे तो ज्यादा पेन खरीदेंगे, तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो 16/40
इन रुपीज 50 ई माइल बाउ। अब ज्यादा रुपया लेकर के जाएंगे तो ज्यादा पेन खरीदेंगे, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई 4 4 16, 5 4 20 पेन्स आंसर, है ना। तो देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले इस चीज को बताया कि जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, लेकिन मेरे क्लास में भी दो चार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन नहीं, अगर कोई नेग्लेक्ट करने वाला रहता तो मैं आपको बोझ देता ही नहीं, मैं आप पे प्रेशर डालता ही नहीं स्टेटमेंट का। लेकिन स्टेटमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, अगर ये उल्टा तो आंसर गलत, ये उल्टा तो आंसर गलत, लगेगा कि हम बिल्कुल सही बनाए, सर जैसा समझाए वैसा बनाए। लेकिन सर एक चीज जो बताए स्टेटमेंट का ख्याल रखना, उसको आप लोगों ने भूल गया है ना। अब देखोगे हमको पेन फाइंड करना था तो पेन को राइट साइड में रखा है ना, तो राइट साइड में पहले मैं उसको लिख दिया, उसके बाद में स्टेटमेंट बनाया कि 40 रुपया में एक आदमी खरीदेगा कितना पेन, 16 पेन, तो 1 रुपया में कम पेन खरीदेगा तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो 50 रुपीज में ज्यादा पेन खरीदेगा तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 20 पेन्स। अब आइए अब हम उस मेथड पे आते हैं, यहाँ देखिएगा 60 पेन्स 40 रुपीज, तो कितना पेन खरीदेंगे 50 रुपीज, बहुत बढ़िया। यहाँ नीचे से ऊपर जाना है ना, बिल्कुल जाना है, तो ऊपर वाला डिवाइड नीचे वाला और इनटू 50 हो गया आंसर। नहीं, ऊपर से नीचे आना रहता था तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर वाला, नीचे से ऊपर जाना है तो ऊपर वाले डिवाइड नीचे वाले, बिल्कुल। यहाँ भी आपको कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। 9709 समझ में आया, 9 0 6 9 6 2 by RS 50 a man about 60 pence by RS 1, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बाई आर एस 50 नहीं, बाई आर एस 40 लिखेंगे ना, बाई आर एस 40 ए मैन अबाउट 60 पेंस। एकदम इस क्वेश्चन को बनाइए। काम है परेशान
है ना। तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच पोटैटोज है ना, यानी हाउ मेनी केजी ऑफ पोटैटोज, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ पोटैटोज अबाउट इन रुपीज 200। बिल्कुल सही आंसर है आपका, एकदम परफेक्ट। इस बार लगता है आप समझ गए, है ना। तो बिल्कुल यानी पोटैटोज तो राइट साइड 5 kg पोटैटो, एकदम इसको तो राइट साइड में लिखिए, चाहे केवल 5 kg। अब आइए अगला स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे कि इन आरएस 250 इमेन बाउट पोटैटो इज इक्वल टू 5 kg। In rupees 1, a man bought potatoes, है ना? तो कम रुपया में कम पोटैटो, तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो इन 200 में, तो 200 में क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई 5 से 50 और 54 जाए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो फिर बॉक्स बनाइए, तुरंत बन जाएगा। 5 kg 250 रुपया, तो 200 में कितना केजी, नीचे से ऊपर फाइंड करना है तो नीचे से ऊपर फाइंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/250 × 200, ये हो जाएगा आंसर। देखिए तो यही आया था ना, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये क्या है आपका एकदम लास्ट लास्ट स्टेप, ऐसे जो बनाएंगे उसका जो लास्ट स्टेप है डायरेक्ट ऐसे लास्ट स्टेप आए, क्लियर है। तो आज हम आप लोग को यूनिटी मेथड से क्वेश्चन भेजते हैं, उसको आप लोग बनाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप का आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, सारे समझेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग का बहुत बढ़िया हो जाएगा यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड अगर अच्छा हो जाएगा ना तो बहुत 2-3-4 चैप्टर हम लोग का अच्छा होगा। ओके बाय।